उदारवाद के कोर एजेंडा को समझेंगे, इसके साथ ही उदारवाद के जो मेजर थिंकर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लिबरलिज्म से, उदारवाद से। लिबरलिज्म, उदारवाद, उदारवाद की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आती है, 19वीं शताब्दी में यह पॉपुलर होती है। जॉन लॉक नामक जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, जो उदारवाद के फादर ऑफ लिबरलिज्म माने जाते हैं, उदारवाद की अवधारणा जो है एक पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिकल फिलोसफी है। फिलॉसफी है इसका तीन बेस या आधार स्तंभ है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी या राइट की बात करता है। प्रेजेंशन ऑफ लिबर्टी, लिबरलिज्म में कुल पांच कोर एजम्पशन है। पहला इंडिविजुअलिज्म, अर्थात व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद में यह इंडिविजुअल की अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी स्वायत्तता पर बल देता है। दूसरा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। लिमिटेड गवर्नमेंट के अंतर्गत रोल, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी, समाज में राज्य की सीमित भूमिका पर बल देता है। इसके साथ ही व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने की बात करता है। थर्ड फ्री मार्केट, फ्री मार्केट के अंतर्गत फ्री मार्केट, कंपटीशन और थर्ड सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात करता है। ये है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के अंतर्गत यह है सोशल वेलफेयर की पॉलिसी को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही सोशल इनइक्वलिटी के रिड्यूस करने और इकोनॉमिक इक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। इसका पांचवा जो कोर एजम्पशन है वह इक्वलिटी है। इक्वलिटी के अंतर्गत ठीक इक्वल बिफोर लॉ, अर्थात विधि के समक्ष समानता की बात करता है। वो मानता है कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं। दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी, टू ऑल इंडिविजुअल की बात करता है रिगार्डिंग हेयर सोशल स्टेट, देयर से सोशल स्टेट, उनकी समाज में स्थिति के अनुसार उनके उनको जो है अवसर देने की बात करता है। ये लिबरलिज्म के कुल पांच कोर एजम्पशन रहे हैं। अब इनके मेजर थिंकर पे आते हैं। मेजर थिंकर में पहले हैं जॉन लॉक, लॉक, दूसरा एडम स्मिथ, थर्ड जो है रॉल्स, फोर्थ जो है जॉन स्टुअर्ट मिल्स। ये चारों के चारों विचारक जो हैं
लिबरलिज्म से संबंधित है और ये चारों के चारों जो है इंडिविजुअल अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, तीसरा इक्वलिटी का समर्थन करते हैं।